नीमच में आज उज्जैन रेंज के एडीजी योगेश देशमुख और रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना गुरुवार दोपहर अचानक नीमच दौरे पर पहुंचे, जहां वे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, वहां के अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद वे सीधे एसपी ऑफिस में ही सीएम के वीसी से जुड़े, जिसमें लॉकडाउन पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। एडीजी देशमुख ने एसपी ऑफिस की व्यवस्थाओं को देखा और अन्य शाखा के कर्मचारी से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। एडीजी योगेश देशमुख ने मीडिया को कहा कि कोरोना से नागरिकों को सुरक्षित रखना पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन से नागरिकों को थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही होगी, लेकिन ये संयम रखने का समय है। पुलिसकर्मी दिन रात उन्हीं के लिए फील्ड में वर्क कर रहे हैं। एडीजी देशमुख ने कहा कि फील्ड में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह बेहतर व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही कठिन दौर है और इस कठिन दौर से आमजन, जनता, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित है। सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में पूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए मैं आया हूँ और विशेषकर हमारे जो जितने भी जवान हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत थके हुए भी होते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, लॉकडाउन जो लागू किया है क्या वो ठीक से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और पुलिस का व्यवहार कैसा है। मैं जानता हूँ कि इसमें आम जन काफ़ी लॉकडाउन को लेकर उनको समस्याएं भी आ रही होंगी, ऐसे में उनको परेशानियां भी होंगी, कई बार उत्तेजित भी हो जाते होंगे। तो यही हमारे पुलिस फोर्स को समझाइश भी देने के लिए आया हूँ कि यद्यपि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना ज़रूरी है, लेकिन दुर्व्यवहार ना हो और जहाँ पर अपना आवश्यक हो वहाँ संतुलन बना के रखें, आम जनता से अच्छा व्यवहार करें और सभी के सहयोग से इस कोरोना महामारी से हम सभी को निजात दिलाने में जो सब खड़े हुए हैं उन सब का मनोबल ऊंचा करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए वीसीयू के बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, उसमें कलेक्टर्स के लिए भी बहुत सारे निर्देश हैं और पुलिस के लिए भी सहयोगात्मक बहुत सारे निर्देश हैं, वो सबका पालन होगा। देखिए ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो अंचल है इस अंचल में तस्करी का बहुत पुराना समय से चला आ रहा है, तो ये पहले भी ये प्राथमिकता थी, आज भी है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी रहेगी। तो तस्करी होती है, इसमें कोई शंका नहीं है और पिछले विगत कुछ दिनों में केसेस भी बढ़े हैं और काफ़ी इंटरसेप्शंस हुए हैं, कई लोगों को पकड़ा भी गया है और ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। देखिए ये तो मैं जैसे कहा ना आपको, ये निरंतर चलता रहेगा, ये चोर पुलिस का काम हमेशा आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन इतना निश्चित है कि कोई ये समझे कि बड़े आसानी से ये कार्य कर लेगा ऐसा नहीं है। पुलिस की नज़र पैनी है, जहाँ जहाँ आवश्यक होता है यहाँ के पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहे। समस्त नागरिकों से यही निवेदन है कि ये जो कठिन दौर है, इस कठिन दौर में हम सब समझते हैं कि आपकी भी क्या समस्याएं हैं, लॉकडाउन पालन करवाने के लिए जो इतने सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं ये सभी के हित की बातें हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और अगर सभी का इसमें सहयोग रहेगा, सबको प्रेरित है कि अगर मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर्स का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इस महामारी से निजात जल्दी मिलेगी। तो ऐसे मेरी आशा है आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, प्रशासन शासन को सबको सहयोग करें और खुद का, खुद के परिवार का अपना ध्यान रखें, यही हमारी अपेक्षा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।